हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा बहुत ही प्यारा सा अनोखा सा प्लांट जिसका नाम है मदर ऑफ मिलियंस। इसका नाम ही कितना प्यारा है ना। एक्चुअली इसको नाम ऐसा इसलिए मिला है क्योंकि ये खुद में एक मदर प्लांट है। एंड आप देखिए, इसके मिलियंस ऑफ बेबीज बन जाते हैं। ये सब उसके पप्स हैं जो नीचे गिरकर खुद ही प्रपोगेट हो जाते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे बेबीज इसके गिर गए हैं नीचे, और वो खुद ही ग्रो भी हो रहे हैं। बहुत बार तो ये पॉट के नीचे भी गिर जाते हैं, मैं निकाल के फिर इसमें डाल देती हूँ। ये साइड के पॉट्स में भी गिरते रहते हैं। एक देखिए यहाँ पर गिरा है, एक इसके अंदर भी कहीं गिरा था, आई डोंट नो अभी कहाँ चला गया, बट था यहाँ पर भी, गिर गया होगा नीचे। और ये बस इनको सॉइल का टच मिल जाए ना, ये ग्रो हो जाते हैं। और सॉइल का टच नहीं भी मिले तो भी ये इसमें ही रूट्स फॉर्म कर लेते हैं जब ग्रो होते हैं। तो लीफ इटसेल्फ, मदर लीफ में भी इनके रूट्स ग्रो हो जाते हैं। तो ये इतना सा, मतलब इतना सा अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो भी, ओ सॉरी, तो भी आप को यू विल गेट दिस होल प्लांट इन अ वेरी लेस टाइम। ये काफ़ी ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेंटेन, ईजी टू प्रपोगेट प्लांट है। इसको आप धूप में रखिए अच्छे से, आउटडोर्स में, और इसकी वाटरिंग बस बहुत ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि ये भी एक सकलेंट फैमिली को ही बिलोंग करता है। और आप देखिए इसके लीव्स काफ़ी मोटे हैं, स्टेम्स मोटी है, तो ये अपने इसमें लीव्स में पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको बहुत फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस वाटरिंग का अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये देखिए, ये लीव जो जाने वाला है, इसमें भी इतने सारे बेबीज़ हैं। मैं इसको इसीलिए नहीं निकाल रही क्योंकि इसमें इतने सारे बेबीज़ हैं और वो टच कर रहे हैं सॉइल को, एंड दे आर फॉर्मिंग इन टू अ मदर प्लांट इट्सेल्फ। ये ग्रो हो जाएंगे और इसमें से बहुत सारे मैं अब लोगों को मैंने शेयर किए हैं। मैं मम्मी के यहाँ गई थी, वहाँ लेके गई हूँ। मतलब दीज आर ओनली हाफ, हाफ से ज़्यादा तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। इतने सारे इसमें से गिर कर ग्रो हो जाते हैं। अब देखिए ना, एक ही लीफ में, जैसे इनकी अरेंजमेंट है तो एक ही लीफ में कितने सारे, मतलब बेबी प्लांट्स हैं, पब्स हैं, तो कितने सारे। हम एक ही सिर्फ अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम एक इसमें से इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इसको मदर ऑफ मिलियंस कहते हैं, इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहते हैं, बट मैं इसको मदर ऑफ मिलियंस ही कहती हूँ क्योंकि मुझे भी इसमें से मिलियंस ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं ग्रो होते हुए। थाउजेंड्स नंबर कम होता है ना, तो इसलिए मैं इसको मदर ऑफ मिलियंस ही कहती हूँ। अदरवाइज इसका, इसके दोनों ही नामों से ये फेमस है, मदर ऑफ मिलियंस भी एंड मदर ऑफ थाउजेंड्स भी। तो अगर कहीं पर आपको किसी के पास ये ब्यूटीफुल सा प्लांट दिख जाता है तो आप उसका एक छोटा सा ये बेबी पब भी ला लेंगे तो ये ग्रो हो जाता है। और बहुत बार तो ये ऐसे हिलाने में भी गिर जाता है, इसको टच होगा तो ये नीचे गिर जाता है एंड ये ग्रो हो जाता है। ये कभी ख़राब नहीं होता, ये छोटे से छोटे पब से भी ग्रो हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। इनको ज़रूरी नहीं है कि मैच्योर होने के बाद ही आप ले आएँ, आप इसका छोटा सा पब भी ले आएंगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा, और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई हो के मिलियन प्लांट्स बन जाएंगे इसके आपके पास भी। है ना, बहुत ही प्यारा सा, ब्यूटीफुल, अनोखा सा प्लांट। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप भी ऐड करना चाहेंगे इसे अपने गार्डन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, गॉड ब्लेस यू।